चर्चित फिल्म मुन्ना भाई MBBS के फेमस सर्किट यानी अरशद वारसी का आज बर्थडे है। उनका जन्म 19 अप्रैल को हुआ था। एक्टर ने साल 1996 में फिल्म तेरे मेरे सपने से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। अरशद ने अपनी जिंदगी के कई साल इस फिल्म इंडस्ट्री को दिए हैं, लेकिन उनका फिल्मी सफर इतना आसान नहीं था। उन्हें इस इंडस्ट्री में टिकने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ी थी। अरशद ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमिताभ बच्चन के बैनर ABCL तले बनी फिल्म तेरे मेरे सपने से की थी। ये फिल्म फ्लॉप हो गई थी। इसके बाद अरशद 3 साल बेरोजगार रहे थे। अरशद ने आगे कहा कि 3 साल तक उन्हें किसी ने काम नहीं दिया, वो काम के लिए भटकते रहे। इस दौरान उनकी पत्नी मारिया गोरेटी ने उनका बहुत साथ दिया। अरशद ने बताया कि उन दिनों मारिया नौकरी कर रही थी, जिसके चलते उनका घर ठीक ठाक चलता रहा। वो अपनी बीवी का शुक्रिया अदा करना कभी नहीं भूलते हैं। इसके अलावा राजकुमार हिरानी की फिल्म मुन्ना भाई MBBS ने अरशद की किस्मत फिर से चमका दी थी। अरशद वारसी ने बॉलीवुड की मुन्ना भाई MBBS के अलावा धमाल सीरीज और गोलमाल जैसी कई शानदार फिल्मों में काम किया है। वह आखिरी बार फिल्म टोटल धमाल में नजर आए थे। इस फिल्म में उनके साथ अजय देवगन, माधुरी दीक्षित, अनिल कपूर जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में थे।